What's up guys, it's your boy Kratos and welcome back to another gameplay video of Resident Evil 4 Remake. And guys, हम काफी ज्यादा क्लोज आ चुके हैं इस गेम को जो है एंड करने के लिए. एंड आई गेस यहाँ पे 2 से 3 एपिसोड और देखने को मिलेंगे एंड हो सकता है उससे भी कम एपिसोड्स हों एंड गेम जो है फिनिश होने लगभग. यहाँ पे हमने सारे बॉसेस को जो है डिफीट कर दिया. लास्ट यहाँ पे जो बॉस बाकी बचा है ऑस्मंड सैडलर, तो उसको डिफीट करना बाकी बचा है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस एपिसोड को एंड देखते हैं भाई किससे हमारा जो है सामना होने वाला है. क्या यही लास्ट एपिसोड होगा या फिर इसके बाद एक एपिसोड और आने वाला है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस एपिसोड को. ओके गाइस, सो लास्ट वाले एपिसोड में हम फिलहाल यहाँ पे ट्रेडर के पास आए थे. ठीक है, ये डोर लॉक्ड है तो यहाँ पे हमने कुछ सामान परचेज नहीं करा क्योंकि फिलहाल इस पे अभी कुछ नया सामान है नहीं जिसको हम परचेज करें अभी. तो आगे चलते हैं. मेरे को कहीं से तो आवाज, ओके वो रहा ऊपर. आई गेस मैंने ऊपर वाले को भी जो है डिफीट कर दिया है. वैसे यहाँ पे ना अभी काफी सारे हमें जो है मिलने वाले हैं एंड आई गेस यहाँ पे इसने ऑलमोस्ट देयर बोला तो मुझे गाइस यही लास्ट एपिसोड मुझे करके इसको एंड करना पड़े. तो अगर ऐसा होता तो चौंकने की बात बिल्कुल नहीं है कि थोड़ा सा शायद मैंने गलत बोला क्योंकि देखो मेरे को भी आइडिया नहीं है क्योंकि काफ़ी टाइम पहले यहाँ पे मैंने रीमेक खेली थी तो बिल्कुल आइडिया नहीं है कितनी और गेम बाकी बची है अभी. एंड मेजॉरिटी ऑफ लोगों ने यहाँ पे जो है रीमेक को खेला भी नहीं है. मेरी बात से काफ़ी ज़्यादा श्योर भी हूँ. वेट, ओके तो ये जो है ओके इसकी मिसाइल को चलने देता हूं मैं एंड नाउ इट्स माय टर्न. देखो एक इधर भी मेरे को दिखा था ना, ये मरा नहीं यार वो. ओके तो ऑलराइट, सो निकालते अपना असॉल्ट राइफल. वैसे अब यहाँ पे इनको जमा करने की तो मेरे को लगता नहीं कि कोई जरूरत होगी क्योंकि अब यहाँ पे कुछ और तो मैं बाय नहीं कर सकता हूँ. एंड वैसे ना ये ट्रिप वायर्स मेरे को काफी बढ़िया चीज लगती है ना, तो काफी मजा आता है, काफी डैमेज देते हैं ना ट्रिप वायर्स. क्या ऊपर भी एक ये ट्रिप वायर है ना? आई गेस ये कुछ और चीज है ऊपर की साइड. वेट, अब यहाँ पे इन सबको मैंने डिफीट कर दिया तो अब आगे चलते हैं. बट आगे से पहले इस रूम को यार ओपन करके देखना चाहूंगा, इस रूम के अंदर है क्या कुछ. तो यहाँ पे रास्ते होंगे, ये तो अंदर से एक रास्ता और जा रहा है. तो यहाँ पे ये गाइस एक मशीन गन थी, ये मेरे को अभी नोटिस में आई मशीन गन. और इस मशीन गन को मैं ऐसे ना ब्रेक भी उधर नहीं कर पाऊंगा, मेरे को उसके लिए कुछ और चीज की जरूरत पड़ेगी. ओह
you. चलिए राइट से बस कोई नहीं आ रहा है, दैट्स प्रीटी गुड. भाई ये स्कॉर्पियन ने तो मार ही डाला था अभी. ओके एंड उनको अभी भी यहाँ पे है कुछ तो मरा नहीं है. ऑलराइट तो अब यहाँ पे ये मर चुका है. मेरा आर्मर देखोगे तो आर्मर बिल्कुल यहाँ पे जो है डिस्ट्रॉय हो चुका है आर्मर इस पॉइंट पे. ओके तो यहाँ से मैं इसको बंद कर सकता हूँ या आई गेस का मैं डायरेक्शन ये डायरेक्शन चेंज कर सकता हूँ. एंड निकालते यहाँ पे भाई काफी सारे आने वाले यार. फाइट तो यहाँ पे काफी अच्छी खासी होगी. रुको यहाँ पे एक डोर हो रहा है क्या, इसको ओपन कर सकता हूँ क्या मैं? ओके ये मेरे को मालूम नहीं था. एंड एक और रेड हर्ब है, रेड हर्ब की तो कोई जरूरत नहीं है. तो मैंने अपना लगभग रास्ता जो है बना लिया है मेंशन के अंदर ही, यहाँ पे इस कासल के अंदर वैसे मेंशन नहीं. एंड गो टू दी एश. एक मिनट को रिलोड कर लेते हैं सारे वेपन क्योंकि मुझे लग रहा है आगे कुछ तो होने वाला है क्योंकि जिस तरीके का रूम है नहीं है तो थोड़ा वो लगता जरूर है. ओके वेट ये तो सामने ही एशली हमें देखने को मिल गई है. तो क्या ये फाइनल चैप्टर है क्या? मेरे को आइडिया नहीं बिल्कुल भी क्या ये फाइनल एपिसोड होने वाला है या फिर नहीं. तो ऑस्मन सैडलर ने वापिस से हम यहाँ पे जो है कंट्रोल कर रहा है. You see, we are all connected through the holy body. And now your flesh and bone, your very thoughts, are already one with us. Bullshit. Why do you reject serenity when you need only accept the sacred gift? Like she did. Sadler! Ah, yes, the time has come for this lamb to join our covenant. Oh, blessings unto him and the sweet mercy they bring. Exalt all and let it be so. वेट किसी ने तुम्हारी हेल्प करी? ओके एडा यहाँ पे हमारी हेल्प करने के लिए आई है. कुछ टाइम के लिए तो यहाँ पे एडा ने जो है डोर्स को बंद कर दिया. सैडलर हमारे पास तक नहीं पहुंच पाएगा बट हमें जल्दी से ना यहाँ पे जो लुइस सेरा का लैब है उस पर जाना होगा. एंड अगला ऑब्जेक्टिव हमारा यही है, हेड टू लुइस लेबोरेटरी जहाँ पे हमें जो है अपने आप को सेव करना पड़ेगा एंड साथ में यहाँ पे जो है एशली को भी. मैंने वैसे मैप देखा नहीं बट चलिए यही इकलौता मेरे को रास्ता दिख रहा है. एंड मेरे को लगता नहीं कि यहाँ पे कोई हमारे ऊपर अटैक करेगा इस जगह पे क्योंकि अभी फिलहाल हमारा कंट्रोल भी उतना सही नहीं है. बट यहाँ पे विजन हमें जरूर देखने को मिल रहे हैं एंड आई गेस ये सब सैडलर ही है जो कर रहा है. शायद ये सामने डोर्स एंड डोर्स के पीछे यहाँ पे हो सकता है लुसेरा की लेबोरेटरी. क्या नीचे वाटर है क्या? यस ये वाटर ही है बट यहाँ पे वाटर नहीं है हमारे विजन्स में हमें दिख रहा है. Still you resist, child. अबे लागा काफी ज्यादा कंट्रोल कर रहा है लियोन को.
Wait. Now, what the hell is this? भाई यहाँ पे स्क्रीन कितनी अजीब लग रही है। यार सैडलर वैसे देखा जाए तो काफी पावरफुल बॉस है वो। एंड आई गेस यहाँ पे एशली से पहले प्लागा जो है ना मेरे ख्याल से अपने ऊपर ही पूरा कंट्रोल ले लेगा, क्योंकि अभी तक प्लागा जो है काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल हमारे ऊपर ले चुका है एज़ कम्पेयर टू एशली। मुझे अब मुश्किल लग रहा है कि हम यहाँ पे बच पाएंगे, हम दोनों में से कोई एक ही मेरे ख्याल से सर्वाइव कर पाएगा। ओके तो यहाँ पे लुइस सेरा की की ओके की हमारे पास है। एट सामने मुझे एक चेयर दिख रही है, आई गेस यही वो चेयर है जहाँ से इस प्लागा को जो है रिमूव करा जा सकता है। ओके वी आर वेरी क्लोज। यू गो फर्स्ट। नो वे। लाइक आई टोल्ड यू, आई एम गोना गेट यू होम सेफ। चलिए प्लागा यहाँ पे जो है कम्प्लीटली एशली की बॉडी से रिमूव हो चुका है अगर जैसे स्क्रीन पे माने तो, बट अभी फिलहाल यहाँ पे फेस जो है वापस ठीक नहीं हुआ है एशली का। एंड देयर गोज लियोन, जैसे कि मुझे लग रहा था कि प्लागा काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल ले चुका था। एंड वैसे मुझे लगता नहीं कि लियोन की यहाँ पे डेथ हो जाएगी, क्योंकि आने वाले यहाँ पे जो रेसिडेंट ईविल के गेम्स थे तो उनमें लियोन जिंदा था, तो किसी तरह यहाँ पे जो है जिंदा होगा जरूर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं एंड प्रोग्रेस को सेव कर लेते हैं। एंड आई गेस ये गाइस लास्ट चैप्टर है पूरी गेम का, एंड इसी के साथ जो ये गेम है यहाँ पे ये फिनिश हो जाएगी। तो एक्सपेक्ट करूँगा आप सभी लोगों को यार मजा आ रहा होगा एपिसोड्स में। अगर आपको मजा आ रहा है, आप लोग अभी तक बने हो हमारे साथ, तो लाइक कर दो यार। वेट, लियोन वापस यहाँ पे होश में आ चुका है। मेरे ख्याल से एशली ने शायद से यहाँ पे लियोन का ट्रीटमेंट कराया। Yeah, I did this. Can you stand? The map? Yeah, I found it. I think it says we can get out if we go this way. Hey, we're a team, right? Keep this up. I'll be out of a job. ओके तो अब हमें सिंपली यहाँ से निकलना है। लास्ट चैप्टर है चैप्टर 16, बट उससे पहले एक चीज़ जो मैं चेंज करना चाहूँगा एंड एक्चुअली इसके एसेसरीज में जाके इसको कर देता हूँ मैं नन। एंड यस नाउ इट्स दिस वाज लुइस। या थैंक्स। एंड अगला ऑब्जेक्टिव हमारा आ चुका है एस्केप फ्रॉम द प्रिजन, सॉरी बेटा एस्केप फ्रॉम द आइलैंड। मुझे मालूम नहीं ये रास्ता नहीं, बट मेरे को यहाँ पे रास्ता दिखा तो यहाँ पे मैं सीधा इसको यूज कर रहा हूँ। एंड आई गेस यही होना चाहिए। एंड गाइज यही लास्ट एपिसोड होगा, एपिसोड थोड़ा लंबा हो जाए, बट इसी एपिसोड को जो मैं यहाँ पे लास्ट एपिसोड करना चाहूँगा एंड रेसिडेंट ईविल को इसी साथ एंड करूँगा, वरना जो अगला एपिसोड है वो काफ़ी ज़्यादा छोटा आएगा एंड उसका कोई मतलब रहेगा नहीं छोटे एपिसोड का ज़्यादा। तो इस एपिसोड को ही हम लास्ट एपिसोड लेके चलेंगे। तो दिस इज़ दी एंड गोइंग टू बी दी एंड ऑफ दी रेसिडेंट ईविल, ऐसा मैं अभी तक सोच रहा हूँ। लेट्स सी, ऐसा होना चाहिए। ओके वेट, ये वही एग्जैक्ट लोकेशन है जहाँ पे एशली को रखा था। She's not the type to roll over that easy.
You know her well. ओके तो यहाँ पे ये रास्ता जो है बंद हो चुका है, जिस रास्ते से हमने जो थी अपनी अंदर एंट्री ली थी। आई गेस जब तक यहाँ पे सैडलर नहीं मरता ना, तो ये सारे क्रिएचर्स भी तब तक नहीं मरेंगे। वेट, तो रास्ता नहीं है। ओके रास्ते जा रही साइड का। ओके तो यहाँ पे एक मे पे पेंडेंट है, इस पेंडेंट का क्या करना है? रुको यहाँ पे कुछ तो मार्क आ रहा है, एक मिनट। ओके तो इसके पीछे मैं रीड कर सकता हूँ, एंड MDLIV डीप बीनीथ द कासल ग्राउंड आई हैव फाउंड माय फेथ ओ बिलवेड द डिवाइन वेस्टी इज लेफ्ट अपॉन दिस वर्ल्ड इट ऑल बिगेन्स हेयर एडम सैडलर। आई गेस शायद ये एडम सैडलर फादर हो सकते हैं यहाँ पे ऑस्मंड सैडलर के। यहाँ पे एक बुक और है, एंड इस बुक में क्या कुछ काम करेगा? लेट्स सी। तो कुछ भी यहाँ पे काम कर नहीं है इस बुक के अंदर। तो एंड XV ऑस्मंड, हमें यहाँ पे निकलना कहाँ से है? वेयर इज द वे जिससे हम बाहर निकल सकते हैं? मैप को ओपन करके देखना चाहूँगा मैं। सो इधर तक मुझे जाना है, बट कैसे? यहाँ पे जो रास्ता है, ये रास्ता तो हो चुका है बंद, तो उसका तो यूज करा जा सकता नहीं है। रुको मेरे पे एक सामान था ना, आई गेस कुछ मैप जैसा ही। मैं क्या, मेरी इन्वेंट्री में शो नहीं कर रहा है वो। फाइल्स में कासल कॉमर्स रिक्वेस्ट, तो चलिए रिक्वेस्ट तो बात की बात है। मेरे ख्याल से मेरे पे कुछ ऐसा कुछ मैप नहीं है जिससे मैं इधर देख पाऊँगा। एक मिनट, ये हमारी टॉप लेयर। ओके हमें इस वाले से जाना पड़ेगा, तो सेंचुरी से होते हुए तो पीछे की साइड ही जो है हमारा एक मेन रास्ता होगा। तो उस वॉल को जो है वहीं कहीं से आसपास रास्ता एक और होना चाहिए। मुझे लग रहा था ये ऐसे वक्त तो नहीं करेगा। एक काम करते हैं, रुको ग्रेनेड निकालता हूं। रन, क्या कुछ हुआ क्या? अगर ग्रेनेड से कुछ हुआ होगा तभी आगे बढ़ूंगा मैं, एंड मुझे लगता नहीं ग्रेनेड ने हेल्प करी हमारी बिल्कुल भी। तो रास्ता इधर को, वेट वेट, आई गेस रास्ता मुझे मिल चुका है। ये मेरे को पहले क्यों नहीं दिखा यहाँ पे? तो आगे तो फिलहाल कुछ और नहीं दिख रहा, बट यहाँ पे मर्चेंट आ चुका है। मैं वैसे अब देखना चाहूंगा मर्चेंट यहाँ पे हमें दे क्या, बाय क्या देगा, क्योंकि लगभग तो यहाँ पे सब हो चुका है। एंड एक गोल्ड इंगट, ओके ठीक है, और पहले मर्चेंट में चलते हैं। तो कुछ भी नई चीज तो इसके पास नहीं है जो हम बाय कर सकते हैं। तो दी ओनली थिंग आई गेस यहाँ पे मैं सेल करके कुछ वेपन्स को अपग्रेड कर सकता हूँ बस। तो इस पेंडेंट को बेचते हैं, गोल्ड बार, गोल्ड इंगट, वेलवेट बेचा। That's our choice. दो तीन है ना, तो इसको भी मैं सेल कर सकता हूँ। And just give me a second. Take care of any leftover errands before going this way. Be ashamed to live the rest of your life wondering what if. Am I right? Okay, and इस वाले में inline करता हूँ stones को मैं। Okay, तो इसका हो चुका है। एंड इस वाले पे तो स्क्वायर वाले लगेंगे, एंड स्क्वायर मेरे पास सिर्फ एक ही है, एक से ज्यादा अवेलेबल नहीं है इस टाइम पे। अब करते हैं इसको सेल सब कुछ, तो इसको सेल कर देते हैं। की को सेल करने का कोई मतलब है नहीं, उससे ज्यादा कुछ होगा नहीं। एंड लेट्स सेल दिस। इसके अलावा क्या कुछ और भी है क्या जिसे हम सेल कर सकेंगे इस टाइम पे? ओके तो गाइस लगभग हमने सब कुछ यहाँ पे जो है सेल कर दिया है। आगे जो है मूव अब हम कर सकते हैं, एंड इसके आगे जो है फाइनल चैप्टर होने वाला है।
थोड़ा जब बाहर जाके मैं देखना चाहूंगा कि हाउ द थिंग्स आर गोइंग. ओके वेट, यहाँ पे एडा को कैप्चर कर रखा है अगर आप देखो तो. एडा तो हमें इसको प्रोटेक्ट करना होगा. सैडलर भी मेरे ख्याल से आसपास ही होगा. Okay. चलो गाइज रुको, इस वाले एपिसोड को गाइज यहीं पे एंड करते हैं. अगले एपिसोड में हम जो आगे कंटिन्यू करेंगे. वैसे मैं सोच रहा था इस एपिसोड को लास्ट करूंगा, बट एपिसोड फिर काफी ज्यादा लंबा हो जाएगा क्योंकि सैडलर से अभी बॉस फाइट बाकी बची है, उसमें लगने वाला है मैं अच्छा खासा टाइम. तो अगले एपिसोड में हम उसे चीज कंटिन्यू करेंगे. मिलते हैं फिर आप लोगों से अगले एपिसोड में. तब तक के लिए बाय बाय एंड हैव अ गुड डे गाइस.